वो मैं लाइव कर देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सो आज की क्लास में सबका स्वागत है। और आज हम लोगों ने पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के पहले 28 श्लोकों के ऊपर थोड़ा सा मनन करना है। तो आज हम पहले 28वां श्लोक कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब पढ़ते हैं। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मुंडयति लुगे उगे। सो ये जो श्लोक कह रहा है वो पहले 27 श्लोकों में भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया, और उसके बाद 28वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, श्लोक में क्या कहा गया, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्या भगवान कृष्ण ही कृष्ण भगवान है? सो ये तो आप मान रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो पूरी भागवतम को पढ़ते हैं, और पूरी भागवतम को पढ़ने के बाद भी वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं सभी भगवान है, आप किसी को भी मान लो। वो तो इवन ब्रह्मा जी और बाकी सभी देवी देवताओं में भी कंफ्यूज रहते हैं। सो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया गया, एते च चांश कला, मतलब च अंश कला, संधि विच्छेद करे तो एते च अंश कला। ये क्या है, च एते च मतलब ये, और च अंश मतलब ये सब अंश हैं। किसके अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मगर इन सब में भगवान कौन है, एक्चुअल कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कौन बोल रहा है, श्रीमद् भागवतम बोल रही है, ये कोई मैं और आप नहीं बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान ने भगवत में गीता में कहा अहम सर्वस्य प्रभुः। तो लोग बोलते हैं अरे कृष्ण अपने आप अपने बारे में बोल रहे हैं, हम तो नहीं मानते जी। ठीक है, तो आप भागवतम की सुन लो। उन्होंने सारे अवतारों के बारे में बोलने के बाद क्या बोला, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और फिर चलो हम तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी शायद भागवतम भगवान के लिए लिखी गई, हो सकता है उनके लिए बोला गया हो। नहीं, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो आज की क्लास ये बताने के लिए नहीं है कि भगवान कृष्ण ही कृष्ण है। वो इस क्लास के लगभग सभी लोगों को अच्छे से, मतलब भगवान स्वयं भगवान जो हैं, जो सारे के सारे अवतारों के उद्गम हैं, वो स्वयं कृष्ण हैं। मगर आज की क्लास मैंने ये सब, हम लोगों को पता है जो भी इस क्लास में आज लोग आए हैं उन सबको ऑलमोस्ट ये बात क्लियर है, मगर आज हम लोग कुछ और डाउट्स भी जो सब लोग पूछते हैं, जो सबके मन में आती है, आज हम वो क्लियर करेंगे। वैसे मुझे पता है कि आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है कि हम अपनी लाइफ के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, बट फिर भी आज की क्लास को हम लोग अगली क्लास से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे मन में भगवान के प्रति संशय रहता है तो हम उनके ऊपर पूर्णतः समर्पित नहीं हो पाते। हमें कभी कभी ये नहीं श्योर होता कि भगवान कौन है, हम किसके ऊपर समर्पित हुए, हम किसकी पूजा करें, और ये सारे बहुत सारे डाउट्स मन में होते हैं। तो उसके बाद हम लोगों के, हम जब कहते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर कि हमें भगवान के ऊपर समर्पित होना है, तो हम ना दाएं बाएं देखते हैं, हम राम जी पे समर्पित हुए, हम कृष्ण पे समर्पित हुए, कोई बोलता है सिर्फ राम का नाम ले लो हो जाएगा, कोई बोलता है हरे कृष्ण महामंत्र ले लो हो जाएगा, है ना, और कोई बोलता है नहीं नहीं शिव जी पे जल चढ़ाओ तो ये पूरा हो जाएगा। तो हम कैसे क्या करें, सब कभी कंफ्यूजन होती है, और हमें केवल भगवान कृष्ण के ऊपर समर्पित होने में हमें डर लगता है ना, हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमें लगता है कि पता नहीं हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया था हमने मान लिया, बट अल्टीमेटली क्या वो सही भी है? तो उसका आंसर आज हम लोग लेने जा रहे हैं, और ये आंसर एक तरह से देखा जाए तो बहुत सरल भी है और बहुत मुश्किल भी है। क्योंकि सरल इसलिए है कि जिनको भगवान के ऊपर पूर्णतः विश्वास है उनके लिए ये बहुत सरल है, बहुत सरल है,
उनको लगता है या गुरु पे पूरा विश्वास, तो गुरु ने मेरे कह दिया ना कि ये है बस, उसके बाद तो मेरे को कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो जिनको अपने गुरु पे पूरा विश्वास होता है उनके लिए भी सरल हो जाता है, जिनको भगवान की नॉलेज है, भगवान के बारे में पता है और उनको विश्वास है उनके लिए भी सरल है। मगर किसके लिए मुश्किल है, किसके लिए दुर्गम है भगवान? भगवान कहते हैं कि जिनको मुझ पे जरा भी संशय होता है ना, या अपने गुरु के ऊपर संशय होता है, उनके लिए ये रास्ता बहुत 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 कठिन है। अब ये सारे अवतारों के बारे में जब पढ़ा तो यहाँ पर एक वो आया कि 19वें और 20वें अवतार के बारे में जब बताया गया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आए 19th और 20th पे लॉर्ड बलराम और कृष्णा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे दोनों भगवान के अवतार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक साथ थे, दोनों तो एक साथ खेला करते थे, तो दोनों भगवान के अवतार कैसे हो जाएंगे? यानी एक स्वयं भगवान हो गए, एक भगवान के अवतार हो गए, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए ऐसे तो अवतार राम और परशुराम के उसमें भी है। तो जब राम स्वयंवर हो रहा था तो वहां पे हमने देखा कि जैसे ही धनुष टूटा तो परशुराम भी आए, है ना। और परशुराम सिर्फ राम युग में नहीं थे, परशुराम तो इवन जब महाभारत हो रही थी उस समय हम सबको याद होगा कि भीष्म के जो गुरु थे वो कौन थे, भीष्म देव के गुरु कौन थे? परशुराम थे, है ना। तो परशुराम उस समय महाभारत के टाइम पे भी थे। इसका मतलब ये हुआ कि राम, कृष्ण और परशुराम तीनों थे उस समय। तो सो ये कैसे संभव है? ये बहुत सरलता से समझा जा सकता है। जब ब्रह्मा जी को भगवान के कंफ्यूजन हुआ कि भगवान है भी या नहीं है, मतलब ये छोटे बच्चे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, सो उन्होंने ये जब अपने मन में सोचा कि ये छोटा बच्चा जो दूसरों का झूठा खा रहा है, ये छोटा बच्चा जो दूसरों के मुंह से निकाल के खा रहा है ना, ये स्वयं भगवान है। जबकि अगर हमें थोड़ा सा भी ध्यान दे तो जब भगवान प्रकट होने वाले, भगवान के प्रकट होने से पहले ब्रह्मा जी स्वयं गए थे उनके पास, है ना, और वहां पे प्रार्थना करके आए थे कि ये भगवान यहाँ पे राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है, तो आपको प्रकट होना पड़ेगा, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी को तब भी कंफ्यूजन था कि मैं बुला के तो आया था, है ना, और मैंने सुना भी था कि भगवान आ गए हैं, है ना, और जब भगवान प्रकट हुए तब भी होता है कि ब्रह्मा जी ने ऊपर से फूल बरसाए तो वो भी समझ में आता है, शिव जी दर्शन करने आए तो वो भी समझ में आता है, मगर ब्रह्मा जी को तब भी कंफ्यूजन हो गया कि पता नहीं सच्ची में ये भगवान है कि नहीं, मैं फूल तो बरसा दिए, है ना, शिव जी दर्शन तो करने आ गए, सब कुछ हो गया, मगर तब भी क्या वहां पर ब्रह्मा जी के दिमाग में कंफ्यूजन आया कि सच में क्या ये स्वयं भगवान है कि नहीं है? तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़ों को चोरी कर लिया और उनको सबको एक तरह से योग निद्रा में लेके अपने धाम ले गए। अब चाहे उनको एक क्षण भी बाद समझ में आ गया था कि मेरे सारे ग्वाल बाल चोरी करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने क्या किया, भगवान कृष्ण हर सखा, हर ग्वाल, हर बाल, हर गाय, हर बछड़े के रूप में उन्होंने अपने आप को, बछड़े थे उस समय, गाय नहीं थी तब, वो बछड़े को लेके जाया करते थे, तो सारे बछड़ों के रूप में उन्होंने क्या किया, विस्तार कर लिया। हर माँ के पास, हर गाय के पास अपना बछड़ा किस रूप में पहुंचा, कृष्ण रूप में पहुंचा। तो वो ब्रह्मा जी का एक क्षण था, मगर यहाँ पृथ्वी लोक का एक साल था। तो कुछ लोग ही सोचते हैं, साइंटिस्ट बहुत बड़े होते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं देखो हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाएंगे, टाइम लैप्स करेगा, है ना, अरे यहाँ का टाइम और वहां का टाइम डिफरेंट हो जाता है। तो हमारे तो शास्त्रों में हर रोज लिखा गया है। तो ब्रह्मा सम्मोहन लीला के अंदर एक क्षण के लिए ब्रह्मा कंफ्यूज हुए, मगर इतने में क्या हुआ, यहाँ पे पूरा एक साल बीत गया था। और वो जब उन्होंने नीचे मुड़ के देखा तो देखा सारे के सारे बछड़े और सारे के सारे ग्वाल बाल एज इट इज थे। तो इसका मतलब भगवान ने एक साथ इतने इतने सारे ग्वाल बाल, इतने सारे बछड़ों के रूप में अपने आप को विस्तारित किया, तो वो भी तो सब भगवान के अवतार ही है। उस एक साल के रूप में, एक साल में भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया, इतने सारे बछड़ों के रूप में, इतने सारे ग्वाल बाल के रूप में,
तो इसका मतलब भगवान ने इतने सारे अनंत रूप भी तो लिए। सो जब इतने सारे रूप एक साथ उद्गम होते हैं और फिर जब मन करता है भगवान को तो उनको वापस पीछे ले दे। जब ब्रह्मा जी ने आके क्षमा मांगी कि भगवान मुझसे तो गलती हो गई, मैं तो कंफ्यूज हो गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन आप कौन हो क्या हो, मैं तो आपको जानते हुए भी कंफ्यूज हो गया, मैंने तो आपके प्रति अपराध कर लिया। तब भगवान ने क्या कहा, भगवान ने उनको क्षमा किया और फिर अपने सारे रूप विस्तार को वापस ले लिया और जितने ग्वाल बाल थे वो सब एक तरह से नींद से जाग गए। सो नींद से जागे इसका मतलब क्या हुआ, उनको तो 1 साल हो गया था सोते हुए ब्रह्मा जी के लोक में, है ना, हमारे पृथ्वी लोक के हिसाब से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान अपने अनंत रूपों में एक साथ हो सकते हैं। तो इसमें कोई, जब अनंत रूपों में अपने एक साथ हो सकते हैं तो सिर्फ बलराम जी के विस्तार रूप में या फिर परशुराम जी के रूप में या राम रूप में, किसी भी रूप में एक साथ रहना उनके लिए कोई और बड़ी बात नहीं है। तो हमने ऐसी ही एक स्टोरी और सुनी हुई है। कौन सी स्टोरी सुनी हुई है? एक बार नारद जी द्वारका में भगवान से मिलने आए और जब भगवान से मिलने आए तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं तो भगवान के दर्शन करके आता हूँ। तो वो क्या गए, भगवान के दरबार में गए। तो भगवान वहां पे सीट पे आराम से सारे दरबार को मतलब अपने पूरा जो उनका नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर्स था वो करते हुए वहां मिले। नारद जी उनके दर्शन करके आए, उनको प्रणाम करके आए और जैसे वो द्वारका से निकलने लगे, जैसे उस जो उनका भगवान का कोट था उससे ऊपर उठे और वो राजमहल के ऊपर से निकलने गए तो उन्होंने खिड़की में उनका ध्यान गया कि अरे भगवान तो यहाँ बैठ के प्रसाद पा रहे। अरे अभी 1 सेकंड पहले तो मैं देख के आया कि देखो वहां भगवान तो इतने सारे मंत्री थे और इतना सब कुछ था, 1 सेकंड में भगवान यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो उनको बड़ी कंफ्यूजन हुई, अरे ये कैसे संभव है कि भगवान यहाँ तो बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, मतलब भोग पा रहे हैं, नॉट प्रसाद, भोग पा रहे हैं, है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा अरे ये कैसे, अभी तो 1 सेकंड पहले तो मैं आया। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर दूसरे महल के अंदर झांक के देखा तो वहां भगवान अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे। सो उसके बाद तो नारद जी की जिज्ञासा का अंत ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, 16,108 रानियों के सबके महल में झांक झांक के देखा और देखा कि कहीं पे भगवान शयन कर रहे हैं, कहीं भगवान बैठ के बातें कर रहे हैं, कहीं भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान वहां पे प्रसाद भोग पा रहे हैं, है ना, कहीं भगवान वहां पे श्रृंगार करा रहे हैं, है ना। सो उनको इतनी कंफ्यूजन हुई कैसे हो सकता है ना, कि भगवान हर महल में है इस समय और तब भी वो दरबार में भी है। तो वो वहां पर वापस भगवान के पास गए कि भगवान ये क्या माया है। तो भगवान बोले ये माया नहीं है, ये स्वयं मैं हूं। तो अब एक और प्रश्न आता है लोगों का, भगवान बोलते हैं ये सब मैं अपने हर रानी के साथ विस्तार कर लेता हूँ। सो भगवान हर रूप में अपने आप को विस्तार कर रहे हैं, 16,108 रानियों के साथ भी है और वहां पर राजा के रूप में वो पूरा कोर्ट भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान इतने सारे एक साथ विस्तार रूप में एक साथ रह सकते हैं, हमारे को उनके ऊपर संशय नहीं होना चाहिए। अच्छा तो अभी कंफ्यूजन और बढ़ गई हमारी, तो भगवान इतने सारे रूपों में रहते हैं सो क्या सबके साथ एक साथ बिहेव करते हैं, सबके साथ अलग अलग बिहेव करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कहीं खा रहे थे, कहीं पे वो सो रहे थे, कहीं पे वो श्रृंगार करा रहे थे और कहीं पे वो बच्चों के साथ खेल रहे थे और कहीं पे वो कोर्ट रूम में बैठे थे। तो भगवान हर रूप में अलग अलग रूप में बिहेव कर सकते हैं। अब हमने सोना है कि रावण भी अपने आप को एक्सपेंड कर लेता था, है ना, सुना है ना, रावण भी अपने बहुत सारे रूपों में एक्सपेंड कर सकता था। सो रावण भी कर सकता था तो भगवान में क्या खास बात है, बहुत खास बात है, मैं बताती हूँ। ऐसे रावण ने ऐसे बहुत सारे राक्षस भी हुए जो कि अलग 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 रूपों में वो अपने आप को विस्तार कर सकते थे। मगर स्पेशल बात क्या है, अगर कोई भी और अपना विस्तार करेगा, ऐसे बहुत सारे मायावी और बहुत सारे लोग होते हैं जो विस्तार कर सकते हैं, मगर उनके अंदर एक बड़ी पर्टिकुलर बात होती है कि अगर वो अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो 10 के 10 10 रूपों में एक्सपेंड किया तो 10 के 10 अपने राइट हैंड ऊपर करेंगे, और अगर वो अपने अगर सपोज करिए ये पकड़ा उन्होंने तो 10 के 10 हाथों में वो पकड़ा जाएगा। मतलब कि वो केवल प्रतिबिंब बना सकते हैं, हर उनका जो एक्सपेंशन है
वो अलग अलग बिहेव नहीं कर सकता। जबकि जब भगवान ने ब्रह्म सम्मोहन लीला में सब ग्वाल बाल के रूप में एक्सपेंड किया, तो इसका मतलब उन्होंने तो हर माँ के साथ अलग अलग किया, कि ऐसा हुआ कि कृष्ण सो रहे तो सारे बच्चे सो गए हैं, और कृष्ण खेल रहे तो सारे बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं था, है ना। और कृष्ण खा रहे सारे बच्चे खा रहे, नहीं ऐसा नहीं था। सबके घर में अलग अलग है, कोई माँ से मार खा रहा होता था, है ना, और कहीं पे कोई खाना खा रहा होता था, है ना, कोई खेल रहा होता था, है ना, कोई गाय का दूध पी रहा होता था। सब बच्चे अलग 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 भगवान के अंदर ये खास बात है कि वो अनंत अनंत रूपों में एक साथ रह सकते हैं। और दूसरा, उनका हर रूप अलग 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 तरह से बिहेव कर सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ हमें कि हमें भगवान को लेके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमें कई बार, बहुत सारे लोग इवन भक्ति में 10 साल 15 15 साल आने के बाद भी हमारे मन में कहीं कहीं डाउट्स होते हैं, है ना। और ये जो डाउट्स होते हैं, ये जब तक डाउट्स रहेंगे, हम कभी भी भगवान के ऊपर पूर्णतः सरेंडर नहीं हो सकते। हम स्ट्रगल करते रहेंगे। किसके साथ स्ट्रगल करेंगे? हम स्ट्रगल करते रहेंगे हर जीवन के ऊपर और नीचे वाली चीजों पर। जैसे भी सुख आए तो भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है उन सुखों को, होता है ना, डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम संभाव नहीं रह पाते, है ना। सुख आने पर हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, अरे हम तो यूं हैं, अब तो हम तो यूं हैं, है ना, वी आर सो रिच एंड वी आर सो फ्लरिश्ड एंड वी हैव सच ए गुड फैमिली। नहीं, हम लोगों को सुख को भी बियर करना आना चाहिए। जब सुख आए तो हमारे को उसमें भी बिल्कुल संभाव रहना चाहिए कि ठीक है, सुख है तो भगवानी कृपा है हमारे ऊपर। और जब दुख आए तो दुख पर हमारे को बिल्कुल ही परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख भी दुख हमारे कर्मों की वजह से है, मगर फिर भी जितने दुख आने थे उतने नहीं है। हमने भगवान ने फिर भी हमारे को आज बचा के रखा हुआ है, आज हम सांस ले पा रहे हैं। हर सुबह जब आंख खोले तो हमेशा भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान देखिए आपकी कृपा से आज मैं सुबह उठ पाया हूँ। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो शायद सुबह आंख ही नहीं खोल पाते। हाँ, कितने बार हम सुना है, कह रहे वो रात को सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें हमेशा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान देखो आपकी कृपा से हम सब आज सुख पूर्वक रह रहे हैं, है ना। आज हमारा हृदय चल रहा है, आज हमारी सांसें चल रही हैं, चाहे कितना भी विषम परिस्थितियां क्यों नहीं आई, मगर आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, है ना। आप हमारे साथ रहते हो, आप हमारे को हर समय, है ना, हमारे को देखते रहते हो, हमारे हमारे बारे में अच्छा कुछ ना कुछ हमारे को आगे बचाने की प्रयास करते रहते हो। तो हमेशा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमारे खुद के कर्मों से जनित होती हैं। ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं आ सकती जहां पर हम भगवान के कंट्रोल से बाहर आ जाएं। तो हम हमेशा भगवान के कंट्रोल में रहेंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी जीरो हो जाए, कुछ भी जीरो हो जाए, मगर फिर भी आप देखोगे कि भगवान कुछ ना कुछ करके अपनी गाड़ी चलाते रहेंगे, है ना। और अगर मृत्यु भी आएगी, क्योंकि मृत्यु आना कोई ऐसा नहीं कि मृत्यु आ गई, कुछ लोग बोलते हैं अरे उनको इतनी छोटी उम्र में मृत्यु आ गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उनको तो अभी और बहुत जीना था। देखिए, मृत्यु का समय तो हमारे जन्म के साथ ही निर्धारित होता है। जब हम पैदा होते हैं तो वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर और एक अच्छा पामिस्ट भी, एक बहुत अच्छा मतलब एक छोटे इंसान भी उसका मृत्यु का समय देख सकता है, बता सकता है, ठीक है ना। मगर वो बता नहीं पाता है, क्योंकि वो भी भगवान के उसमें होता है, और वो खुद भी ऐसा रूल होता है कि हमें बोलना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में। तो कहने का अर्थ ये है कि जब एक इंसान के हाथ में या लाइनों के अंदर भगवान ने एक एक चीज ड्रॉ करके दे दी है, अब सुख आएगा, अब दुख आएगा, हमारी मनोवृत्ति ऐसी बनेगी, इस साल ये ग्रह आएंगे, उस साल वो ग्रह आएंगे। सिंपल सिंपल, जिन लोगों को 4 5 कैलकुलेशंस करनी आती हैं वो भी बता देते हैं, अरे आपके पास ये वाला ग्रह की दिशा ज्यादा खराब हो रखी है, वो अच्छी हो रखी है, ये अच्छा समय चल रहा है, ये बुरा समय चल रहा है, वो बड़ी सारी बातें बता देते हैं। आप सोचो, वो सब चीजें हमारे को भगवान ने लिख के दी है ना, ठीक है, उसकी हमारी मैथ्स, उसकी कैलकुलेशंस, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, जो हम लोग को हिंदी इंग्लिश में नहीं दी जाती है, मगर हमारी हर चीज निर्धारित समय पर होती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ
कि अगर हमारे को सब कुछ चीजें हमारे को भगवान ने इन रेखाओं में, यहाँ की रेखाओं में, यहाँ की रेखाओं में, हमारी जन्म पत्री में, यहाँ वहां लिख के दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में केवल भक्ति करना है। तो हमारे को कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता सकता कि हम कितनी भक्ति करेंगे, नहीं बता सकता। कोई भी पामेस्ट, कोई भी ये वो, कोई नहीं बता सकता कि हम कितनी माला करेंगे, हम कितना भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, कोई नहीं बता सकता। बस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी हमारे पिछले जन्मों की जो हमारे पुण्य और पाप है उनके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के भगवान ने बर्थ के टाइम पे हमारे को चार्ट बना के अपने दोनों हाथों में दे दिया है कि देखो ये तुम्हारा चार्ट है, तुम जब मर्जी देख लेना, जिसको भी उसको रीड करना आता है उसको देख लेना, तुम्हारे हर सुख दुख का हिसाब किताब मैंने यहाँ बना के दे दिया है, क्योंकि ये तुम्हारे पिछले कर्मा से उनको तो आना ही पड़ेगा, है ना। मगर हम कितनी भक्ति कर सकते हैं, कितनी भगवान के ऊपर श्रद्धा रख सकते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करेंगे, वो हमारे हाथ में है। तो हमारे को भगवान भक्तों को भी जो अलग अलग परीक्षाओं पर डालते हैं, मगर हर परिस्थितियों के अंदर भगवान ये देखते हैं कि तुमने कैसे उसको हैंडल किया। अब भागवतम देखिए, पूरी की पूरी भागवतम पढ़िए, कितने भक्त और अभक्तों की कहानियां हैं, है ना। और उन्होंने, उन भक्तों ने और अभक्तों ने अलग अलग परिस्थितियों में कैसे बिहेव किया, कैसे रिएक्ट किया, कैसे उन्होंने उस परिस्थिति को के अंदर उन्होंने अपने आप को संभाला, कैसे उन्होंने अपने बड़े बड़ों की आज्ञा का पालन किया, कैसे उन्होंने सीनियर वैष्णवास का या जिन्होंने उनके गुरु थे उनकी आज्ञा का पालन किया या उनको परित्याग किया। सो इस तरह की सारी हम लोग घटनाएं देखते हैं, जैसे हम रामायण में भी देखते हैं कि रावण को कोई ऐसा एक भी ऐसा इंसान नहीं था, ऐसा एक भी राक्षस भी नहीं था जो जाकर के रावण को समझा के ना आया हो। कुंभकर्ण ने भी समझाया, मेघनाथ भी जानता था ये सारी बात, मंदोदरी तो रोज समझाती थी, हर जो उसके मामा थे हमारी उन्होंने भी समझाया रावण को, है ना। जब उनके भाई खरदूषण मारे गए तो उस टाइम पे भी उन्होंने उनको समझाया गया कि देखो इनको कोई मार नहीं सकता था, मगर फिर भी रावण के हाथ में डिसीजन मेकिंग थी, उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग क्या थी कि मैं उनकी सीता को वापस करके क्षमा मांगू या मैं लड़ाई करूं। उनको पता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो तो सोचो, रावण तो भविष्य पुराण को लिखने वाले, जो पूरी एस्ट्रोलॉजी है वो रावण ने बनाई है। तो आप सोचिए, ऐसा महापंडित जो हम जिसको 1.00001 पढ़ के भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, है ना। और उतने में भी अगर रावण जैसा जो है वो डिसीजन नहीं ले पाया, तो सोचिए कि इन सब एस्ट्रोलॉजी और इन सबको कोई फायदा नहीं है, है ना। मेन फायदा किस बात का है? मेन फायदा ये है कि क्या हम भगवान के ऊपर शरणागति है कि नहीं है, बाकी सब चीजें हमारी व्यर्थ हो जाती हैं। आप सोचिए, जिसने पूरा एस्ट्रोलॉजी बनाया है वो कौन है? रावण है। और वो रावण ने अपनी एस्ट्रोलॉजी बना के क्या अपनी एस्ट्रोलॉजी नहीं की होगी? क्या अपने बेटे की एस्ट्रोलॉजी नहीं की होगी? वो तो देख भी सकता था, मगर तब भी क्योंकि वो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रख रहा था, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं थी, भगवान राम के ऊपर उसको पूर्णतः विश्वास नहीं था, इसकी वजह से उसको सब कुछ जानते हुए भी वो उनके ऊपर शरणागति नहीं हो पाया और सारा खानदान उसने खत्म कर डाला। ऐसा नहीं था कि कंस को नहीं पता था, कंस को तो स्वयं नारद जी जो कभी झूठ नहीं बोलते वो जाके बता के आए हैं कि देखो वो जिस जो बच्चे को तुम मारने जा रहे हो वो स्वयं भगवान है, तुम उनको उनके पीछे मत पड़ो, तुम्हारा काल बन जाएंगे वो। तो वो नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। ऐसे ही हम अपनी लाइफ किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर हम भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है हमारी, श्रद्धा मीन्स, श्रद्धा का मतलब है पूर्णतः विश्वास कि मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, अगर कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं तो मुझे कोई मेरे बाल भी नहीं हिला सकता, और अगर कृष्ण ही मुझे मार रहे हैं तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। अगर ये हमें विश्वास हो जाए
और भगवान हमारे के भगवान ने क्या कहा, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं तो सबका बेस्ट फ्रेंड हूँ। सुहृदम, सुहृदम का मतलब क्या था, हृदम नहीं, सुहृदम, सुहृदम मतलब द बेस्ट फ्रेंड हूं मैं सबका। मगर उसके बाद भी हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं। हम लोग अपने दुश्मनों पर भी विश्वास कर डालते हैं, जो हमारे से जेलिसी करते हैं, जो हमारा अहित चाहते हैं, हम उन पर भी विश्वास कर लेते हैं। मगर जो हमारे बेस्ट 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 फ्रेंड है, हम उन पर भी विश्वास नहीं कर पाते, श्रद्धा नहीं रख पाते। हम उनकी भी लीलाओं के अंदर कमियां ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, मैं कभी थोड़े दिन पहले उनसे मिली, बोले क्या भगवान तो अजन्मा होते हैं। हाँ, भगवान तो अजन्मा होते हैं, भगवान कृष्ण ने भी तो मरे थे, उन्होंने भी तो अपना शरीर त्यागा था, है ना। मैंने कैसे शरीर त्यागा था, तो बोले अरे वो तीर मारा था ना जहर वाला, है ना, जहर वाला तीर उनके पाँव में लग गया था तो वो मर गए थे। मैं क्या, अच्छा प्रभु, अगर एक जहर के एक छोटे से तीर से भगवान ने अपना शरीर त्याग कर दिया, तो आप सोचो वो तो जब 1 महीने के थे तो पूतना हलाहल विष लगा के अपने स्तनों पे आ गई थी, है ना, और उन्होंने सारा वो विष पान कर लिया था, है ना। शिव जी को तो फिर भी वो गले में रोकना पड़ जाता है, मगर भगवान को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, भगवान तो पूरा विष पान कर गए थे और साथ में पूतना के प्राण भी पी लिए थे। तो ऐसे में आप क्या कहोगे कि वो इतने छोटे से तीर लगने से उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। अरे वो तो कृष्ण वो है जिनकी दृष्टि से जो जो विष है वो खत्म हो जाता है। जब कालिया नाग ने यमुना को सारा विषैला कर दिया और सारी जो गायें और जो ग्वाल बाल ने वो जल पिया तो वो भी मर गए, मतलब उन्होंने अपना जहर उनके पसर आना शुरू हो गया और वो वहीं के वहीं बेहोश होकर उनके मुंह से जाग निकलना शुरू हो गए। तब भगवान ने सिर्फ केवल अपनी दृष्टिपात किया उनके ऊपर और वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होकर के भले चंगे होकर नाचने लगे, अपने खेलने लगे, उनको पता भी नहीं चला उनके साथ क्या हुआ उनको। और वही कालिया नाग जो इतना विषैला था, भगवान ने उसके फनों के ऊपर तारथैया की है, डांस की है पूरा, है ना, और हर उनके उसके साथ हजारों टन विष उन वो जो कालिया नाग था वो अपने मुंह से फेंकता था। हाँ, तो भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसके बाद भी। हाँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान कृष्ण ने जो कि विष पूतना का पी गए, जो कि कालिया नाग के ऊपर उन्हें विष का कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर, वो एक जरा से एक शिकारी के इतने टिप पे लगाए हुए विष से उनको असर पड़ जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो कंफ्यूज हो गए। मैं कि प्रभु जी, वो एक्चुअली चक्कर ये है कि जब भगवान को लगता है कि अब मुझे वापस अपने धाम चले जाना चाहिए, तो भगवान जो नास्तिक होते हैं उनके ऊपर उनकी आंखों के आगे पर्दा लगाते हैं। जैसे हम स्टेज शो देखते हैं तो स्टेज शो में क्या होता है कि वहां पर जो हीरो होता है वो बोलते आ मर गया, है ना, उसको एक झूठा सा कुछ मारते हैं और बोलते आ मर गया, गोली लगती है, आ मर गया, और वहां पर लेट जाता है वो, और उसके बाद क्या होता है, फिर पर्दा बंद होता है और उसके बाद वो आराम से चले जाते हैं। तो क्या सच्ची में मरते हैं? नहीं। सो बिल्कुल ऐसे ही भगवान भी जब अपनी लीलाएं समाप्त करने वापस जाते हैं तो नास्तिकों के लिए वो पर्दा आंखों पर डालने के लिए वो नाटक करते हैं, है ना। नहीं तो भगवान कृष्ण को कौन कौन सा ऐसा विष है जो उनके लिए बना हो। सो फिर मेरे पास एक और प्रश्न आया, उनका उनका प्रश्न ये आया कि भाई फिर शिवजी को क्यों बुलाया गया था जब समुद्र मंथन हो रहा था विष पीने के लिए, फिर तो भगवान को खुद ही आ जाना चाहिए था। इसके अंदर क्या है, उनको सेवा मिलनी थी, भगवान शिव जो शिवजी हैं उनको सेवा मिलनी थी। अब भगवान अपने भक्तों को सेवा देने के लिए तो सारा काम करते हैं ताकि सारे के सारे भक्त उनकी सेवा करें, उन सेवा में उनका स्ट्रगल होगा और ऑब्वियसली जब स्ट्रगल होगा तो उनकी ग्लोरिफिकेशन बढ़ेगी। तो आज हमने उनका नाम क्या रखा, नीलकंठ महादेव, है ना। तो नीलकंठ क्यों रखते हैं हम, उनकी क्यों ग्लोरिफिकेशन करते हैं। अरे जब पूरे संसार के ऊपर मुसीबत आई तो हम शिव जी के पास गए, शिव जी को बुलाया गया, हे शिव आप इस जहर को पी ले, है ना। अगर भगवान बोलते अरे कोई खास बात नहीं है मैं ही कर देता हूँ, तो फिर क्या होता, क्या हम शिव जी की इतनी ग्लोरिफिकेशन कर पाते? नहीं। तो भक्तों की ग्लोरिफिकेशन के लिए भी भगवान कभी कभी विषम परिस्थितियां बनाते हैं, एकदम टफ टफ सिचुएशंस बनाते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से
अपने अपने खुद के आचरण से वो दूसरों को सिखा सके। और दूसरे जब भक्तों का गुणगान करते हैं तो उसके बाद भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि अरे मेरे मेरे भक्त का गुणगान किया जा रहा है ना। तो भगवान अपने भक्तों को, पांडवों को भगवान, कितनी विषम परिस्थिति, भगवान चाहते तो सब कुछ एक सेकंड में यूं करके सॉल्व कर सकते थे, मगर फिर भी भगवान ने उनको विषम परिस्थितियों में रहने दिया। क्यों? ताकि उनके आचरण से हम सीख सके कि इतनी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी उनको लाक्षागृह में जला दिया। आप सोचो अगर हम में से किसी को एक रूम में बंद कर दिया जाए और उसके अंदर पूरा वो मिट्टी तेल से भरा हुआ रूम हो और आग लगा दी जाए उस रूम में, तो हम कैसे बिहेव करेंगे? और जब हमें अपने दुश्मनों के बारे में पता हो कि किसने ऐसा किया है तो हम उसके साथ हम क्या बिहेव करेंगे? मगर पांडवों ने कभी दोषारोपण नहीं किया और कभी भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं कम किया। तो इसकी वजह से पांडवों की ग्लोरिफिकेशन हम आज भी पढ़ते हैं, करते हैं। हम सब बोलते, देखो पांडवों ने ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर भी पांडव भगवान के ऊपर आश्रित रहे। दुर्वासा मुनि को भेज दिया गया, तब भी उन्होंने केवल भगवान को याद किया। द्रौपदी का चीरहरण हो गया, तब भी उन्होंने केवल भगवान को याद किया। सो वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाते हैं। और साथ में भक्तों की ग्लोरिफिकेशन भी होती है, क्योंकि अगर सारी चीजें भगवान सॉल्व कर देंगे, जैसे हम हनुमान जी को हमेशा क्यों ग्लोरीफाई करते हैं, जब हनुमान जी को हम ग्लोरीफाई करते हैं, अरे हनुमान जी, हम हनुमान चालीसा करते हैं ना, हनुमान चालीसा हम बोलते हैं कि राम काज तुम रे आसी, है ना। तो भगवान के राम काज करने के लिए आप निर्धारित किए गए हो। सो अगर ऐसा नहीं है कि अगर भगवान को, अगर हनुमान जी नहीं होते तो हनुमान जी नहीं करते तो वो क्या सीता मैया को ढूंढ नहीं सकते थे, या वानर अगर पुण्य होता भगवान क्या एक तीर मार के रावण को मार नहीं सकते थे? भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मगर भगवान क्या चाहते हैं कि सारे वानर सेना है ना उनकी सेवा में लगे, तो उनका शुद्धिकरण होगा, वो हम मेरे साथ रहेंगे, है ना, जय श्री राम बोलेंगे। सो उसकी वजह से उनका क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा, और वो सारे के सारे मेरे भक्तों की जो महिमा है वो युगों युगों तक सारे के सारे लोग गाएंगे, है ना। आज भी भगवान राम की कथाओं के साथ हम वानरों का सारा गुणगान करते ही हैं, है ना। हम हनुमान जी का पूरा गुणगान करते हैं, आज भी हनुमान जी को मंदिर बना के पूजा जाता है, हनुमान जी की सेवा की जाती है। और हम हनुमान जी को हमेशा क्यों ग्लोरीफाई करते हैं? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान श्री राम के ऊपर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने किसी भी ऐसी परिस्थिति, एक भी परिस्थिति नहीं सोच सकते आप जहाँ हनुमान जी ने राम जी के ऊपर शक किया हो, जहाँ भगवान, जहाँ हनुमान जी ने राम जी के वो बोला हो, नहीं देखो ये काम तो मैंने किया, राम जी ने नहीं किया, देखो राम जी थे मगर फिर भी काम तो मैं ही करके आया हूँ, नहीं, वो हमेशा ये बोलते थे कि नहीं ये केवल भगवान राम की ही कृपा है, ये भगवान राम ने ही किया, मुझे तो सिर्फ केवल एक माध्यम बना दिया है। ऐसे ही भक्त होते हैं। सो भक्तों के साथ भी बहुत सारी विषम परिस्थितियां आती रहती हैं, आएंगी जाएंगी, मगर भगवान देखते हैं किसके ऊपर क्या बोल रहा है, ऐसी परिस्थिति के अंदर वो क्या रोना धोना मचा रखा है इसने, है ना, और इस परिस्थिति में क्या ये गुस्से में आ गया, क्या इसने गालियां देना शुरू कर दिया, या इस परिस्थिति में क्या चिल्ला रहा है वो, या इस परिस्थिति में क्या वो मतलब दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, क्या कर रहा है, भगवान ये चेक करते हैं। और अगर वो मैं आपको बार 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 ये किस लिए, आपको आपको कई बार लगता होगा कि माता जी आप कई दिनों से ना ये बार बार बोल रहे हो कि भाई अपने ये भगवान के ऊपर आश्रय का मतलब क्या हुआ, कि हमारे को अपना व्यवहार रोज ठीक करना है ना, हमारे को अपनी भगवान के ऊपर जो हमारी जो सरेंडर है कि हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं वो रोज चेक करना है नहीं है, है नहीं है, चेक करो क्या कोई बड़ी बुरी परिस्थिति आई तो मैंने क्या किया, क्या मैंने किसी और के ऊपर दोष लगाया कि देख उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, या मैंने सोचा कि नहीं शायद मैंने ही कुछ गलती की होगी जिसकी वजह से आज मुझे ये देखना पड़ा, या आज मेरा यहाँ पे तिरस्कार हुआ, ये प्रॉब्लम आई, तो क्या हमारे को भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है या नहीं है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना रोज सुबह दोपहर शाम
तीन गोलियों की तरह चेक करना चाहिए, है ना। रोज सुबह दोपहर शाम चेक करना चाहिए, आज मैंने शाम तक किसके ऊपर चिल्लाया, और चिल्लाया क्यों चिल्लाया मत बताइएगा मुझे, क्या चिल्लाया, क्या मैंने आज से शाम तक सुबह दोपहर शाम किसी के ऊपर मैंने ब्लेम किया कि देखो मैंने उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। क्या सुबह दोपहर शाम अपने आप को चेक करिए, मेरे को गुस्सा आया क्या, ऐसे चेक करिए कि क्या मैंने अपने सीनियर की या मेरे जो वरिष्ठ वैष्णव है, मेरे गुरु हैं, उनकी बात का कोई मैंने खंडन तो नहीं किया, उन्होंने मुझे बताया और मैंने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया, नहीं 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 प्रभु जी हमने तो ऐसा इसलिए किया था, हमने तो माता जी इसलिए किया था क्योंकि आप नहीं समझते ऐसा क्यों हुआ था, आप नहीं कर समझ पाएंगे ये बात, नहीं ऐसा हो गया था मैं क्या करता। क्या हमने एक्सप्लेनेशन मांगी थी कि सिर्फ सरेंडर मांगा था कि उन्होंने एक आज्ञा दी, क्या हमने उसको पूरा किया या अपनी बस मन के हिसाब से सोचा, नहीं एक्चुअली हम लोगों ने करना तो चाहते थे मगर एक्चुअली हुआ इसलिए नहीं क्योंकि, बस क्योंकि पे बात खत्म हो जाती है। क्योंकि का मतलब क्या हुआ, फिनिश, हमारा कोई भगवान के ऊपर आश्रय नहीं है इसलिए क्योंकि क्योंकि कर रहे हैं हम। जब कोई हमारे गुरु हमारे में कुछ कमी बता रहे हैं तो क्या हम क्योंकि क्योंकि कर रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अगर हाँ तो अभी हमारी भक्ति में हमारे सरेंडर में अभी बहुत कमियां हैं। सो भगवान की लीलाओं पर हमारे को कभी भी डाउट्स नहीं रखने चाहिए क्योंकि भगवान पूर्ण है और वो क्या करने जा रहे हैं, उनका कोई भी एक जो उनका कोई भी एक चीज उसके बड़े सारे एंगल्स होते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या क्या एंगल्स होते हैं। तो वो सारे के सारे जो एंगल्स हैं, वो सारे के सारे जो विभिन्न विभिन्न भगवान के जिसको कहते हैं ना हम भगवान की लीलाएं हैं, उनके बहुत सारे पर्पस भी होते हैं, भगवान एक लीला से एक काम नहीं करते हैं, अनेक काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे को भगवान के ऊपर कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप में से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।